एक जन्मू और दूसरी किताब के मुबीन जी दूर से मुराद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पाक है और किताब मुबीन से मुराद जो है कुरान करीम है। अल्लाह शाहिद है, उलमा स्टेज पर तस्लीम फरमा है। आप इनसे मालूम कर ले अल्लाह ने जो हमें नूर की शक्ल में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आता फरमाए वो कायनात में सबसे लाजवाब नबियों में लाजवाब नबी है। भेजा है हर नबी को कोई ना कोई मुकद्दस किताब दी है, सहाई से नवाजा गया है। लेकिन ये हकीकत है मुसलमानों, जो मुकद्दस किताब अल्लाह ने अपने रसूल को अदा फरमाई वो सबसे पहली तमाम किताबों में सबसे लाजवाब किताब कुरान की शक्ल में है। ये ईमान बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकसद क्या है के लोगों नूर को समझना है कि कुरान की तिलावत कर दो, विदाउट कुरान के नूर को नहीं समझ सकते और विदाउट नूर के तुम अल्लाह के कलाम को नहीं समझ सकते। दादाजी मुस्तफा से वाबस्ते हो जाओगे और अल्लाह के कलाम कुरान करीम को समझ जाओगे और अगर कुरान को समझ लोगे तो अल्लाह के इसीलिए कहा है कि जमाने में आए बहुत आने वाले, ना आया कोई तुझ सा है या निभाने, ना आया कोई तुझ सा है या निभाने, सिराजम मुनीरा दहम पाने वाले, सिराजम मुनीरा दहम पाने वाले, चमकते से बाद में सब पाने वाले, चमकाने वाले।